सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ हर्बल लाइफ की सेल्यूलॉस के ऊपर, जिसके ऑलरेडी एक वीडियो मैंने पोस्ट की है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं मुझे इसके रिलेटेड, तो मैं आज आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आई हूँ फ्रेंड्स। और बहुत सारे जो आप लोगों को डाउट्स है, उस डाउट्स को मैं क्लियर करूंगी इस वीडियो में। और हर्बल लाइफ हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड वेट मैनेजमेंट, वेट गेन के लिए प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि काफी हेल्दी और आपको एक बहुत ही फिट रखने के लिए मींस बनाया गया है। तो चलिए आप आज का मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। मैंने देखिए यहाँ पे मुझे क्वेश्चंस आए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं मॉर्निंग में जब सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मैं अपना लूक वार्म वाटर ले लेती हूँ, ऑफ्रेश ले लेती हूँ। ऑफ्रेश पीने के आधा घंटा बाद है ना, मैं लेती हूँ सेल्यूलॉस की 2 टैबलेट। तो बिना खाए पिए आपको लेना होता है ये आपके ब्रेकफास्ट से पहले, ठीक है। ब्रेकफास्ट तो आपका पूरा कंटिन्यू हो ही मीन्स हो जाता है, जैसे आप ब्रेकफास्ट लेते हैं एंड लंच लेते हैं, तो उस टाइम पे आप जब ऑफ्रेश सॉरी जब आप अपना लंच करते हैं तो उस टाइम पे आपका पीपीपी और F1 ही होता है, जो 10 बजे का होता है। तो ये हो गया। एंड यस, सेल्यूलॉस अगर आपको नाइट में लेना है तो मैं जब खाना खाने के आधे घंटे बाद इसे लेती हूँ सेल्यूलॉस को, इस तरह से मैं करती हूँ। तो काफी अच्छा एक रिजल्ट मिला है मुझे। और हर्बल लाइफ में चाय पी सकते हैं क्या सुबह? आप चाय अगर ज्यादा अवॉइड करेंगे, स्किप करेंगे तो बहुत ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप अफ्रेश लेते हैं तो वैसे भी चाय पीने की तलब बिल्कुल भी नहीं आती है। मुझे तो अभी तक चाय पीने की तलब बिल्कुल नहीं पड़ी, क्योंकि मैं अफ्रेश हम लेते हैं। और एक बहुत मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि इन्होंने कहा है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरी बेबी अभी बॉर्न हुई है 2 महीने की, तो मैं क्या ले सकती हूँ अफ्रेश को? सो फ्रेंड्स, अफ्रेश आप मत लीजिए, क्योंकि आपका आप बेबी यू नो फीडिंग कराते हैं, तो बिल्कुल भी आप अफ्रेश ना यूज करें, आपको नहीं लेना है। क्योंकि बेबी फीडिंग हम जब कराते हैं तो लैक्टिक वुमेन जो है वो ना ले अफ्रेश को, और बाकी की चीजें पीपीपी और बाकी आप ले सकते हैं, F1 भी ले सकती हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि क्या सिर्फ सेल्यूलॉस लेके आप अगर प्रोटीन ना लें तो चलेगा क्या? तो सेल्यूलॉस क्या करता है, आपके बॉडी के इंचेस लॉस करता है। प्रोटीन और प्रोटीन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी की जो मसल्स है वो लीन कैसे होगी, इम्पोर्टेंट है ये। एंड उसके साथ में एक और क्वेश्चन है कि इनका सुखी सिंह जी कहते हैं कि गॉल ब्लैडर जिसका रिमूव हुआ है क्या वो हर्बल लाइफ ले सकते हैं? देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो कोई भी डिजीज अगर हुई है आपको, जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, या फिर कोई भी डिजीज है ना, तो उसको वो यहाँ पे पूरे कंटेनर में ही लिखा हुआ होता है कि आप है ना, इसमें पूरा अच्छी तरह से मेंशन किया हुआ होता है कि आप इस प्रोडक्ट को ले रहे हैं तो इससे वेट लॉस होगा, वेट गेन होगा, आपकी कोई डिजीज यहाँ पे मींस क्योर नहीं होने वाली, ठीक नहीं करता ये, इस तरह है। बट यस, अगर मोटापे से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और मोटापे की वजह से बहुत सारी यू नो डिजीज तो आने ही वाली है, तो उनसे आप बच सकते हो, तो मोटापा कम होगा तो डिजीज भी कम हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे दीपानिता घोष ने बोला है, मैं भी स्टार्ट किया हर्बल लाइफ, आज मैं 9 days AM से सो वरीड अबाउट द रिजल्ट, पता नहीं क्या होगा। सो इसमें एक्सरसाइज करनी होती है क्या? जी हाँ, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। सुबह जैसे ही आप उठते हैं पानी पीजिए, गर्म पानी पीना है आपको, और फिर उसके बाद लूक वार्म वाटर लेना है, उसके बाद आप थोड़ा एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, जो भी है एक्सरसाइज करेंगे ज्यादा अच्छा होगा। तो उसके बाद आप अपना शेड्यूल स्टार्ट करिए और अपनी हर्बल लाइफ भी इसे एंजॉय करिए। सेल्यूलॉस लेने के बाद या पहले पानी नहीं पीना होता? तो सेल्यूलॉस जब आप लेते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको पानी पीना ही नहीं है, दिन भर में आप जितना वाटर इंटेक करेंगे आपका उतना मेटाबॉलिक बहुत अच्छा होगा, बिकॉज ऑफ अफ्रेश की वजह से मेटाबॉलिक रेट भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ जब सेल्यूलॉस लेते हैं तो आपके पीपीपी और F1 लेने से ही आपका जो पूरा मल वगैरह होता है ना वो क्लीन हो जाता है। सेल्यूलॉस का सिर्फ एक ही काम होता है कि वो आपके इंचेस को लॉस करता है बहुत ही अच्छी तरह से। तो बोलते हैं ना, जब सैगिंग हो जाती है बॉडी, जब सैग हो जाती है, यहाँ वहां से चर्बी निकलना स्टार्ट होता है हमारे आर्म्स में, बैक साइड में, हिप्स में, तो इसे कंट्रोल करने के लिए सेल्यूलॉस है फ्रेंड्स। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना होइए, मैं यहाँ पे आप लोगों को 100% और अच्छी तरह से गाइडेंस दूंगी। और
एक क्वेश्चन है मीनाक्षी चौधरी जी का, मैम ये लंच और डिनर से पहले लेनी होती है या बाद में? तो पहले लेती हूँ जर्मी। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को आपको बता दिया, इसमें कवर कर लिया है कि ब्रेकफास्ट से पहले लेना होता है, लंच के टाइम पे आप लंच करने के बाद लीजिए, और डिनर जब आप कर लेते हैं तो डिनर के बाद लेना होता है। तो देखिए, फर्स्ट ब्रेकफास्ट जो होता है, ब्रेकफास्ट के पहले, लंच के पहले, और जब आप डिनर करते हैं रात के टाइम पे, रात को सोने खाना खाने का जो 7 बजे का टाइमिंग है उसके आधे घंटे बाद या फिर 1 घंटे बाद आप ले लो, है ना, सेल्यूलोस लेना होता है कुछ इस तरह से। और मैं हर्बल लाइफ यूज करती हूँ लेकिन सेल्यूलोस नहीं करती, पर मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा 3 महीने से। कुलजी कौर जी, अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है 3 महीने से, आप ये बोल रहे हैं हर्बल लाइफ लेने के बाद भी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि हर्बल लाइफ आप ले रहे हो 3 महीने से आपका वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आप जिस एसोसिएट के पास जाती हैं, क्या आपको उन्होंने पूरी अच्छी तरह से गाइडेंस की है कि किस कितना आपको कैलोरी इनटेक करना है, आपकी वेट के हिसाब से आपका BMI उन्होंने चेक किया है कितना होना चाहिए, किस तरह से आपको फूड लेना होता है, वो आप जरूर उनसे बात करिए। और आगे की वीडियो में मैं जरूर आप लोगों की हेल्प करूंगी फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाली हूँ। आप बोल रहे हो फ्रेश मील लेनी चाहिए सेल्यूलॉस, बट मैंने किसी और वीडियो में देखा है कि बिफोर हाफ एन आवर लेना होता है सेल्यूलॉस टैबलेट। जी देखिए, बहुत सारे इसके ऊपर क्वेश्चन है कि सेल्यूलॉस हमें कब लेना होता है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेल्यूलॉस लेना होता है जब आप डिनर करते हैं, डिनर हमारा टाइमिंग है डिनर का लास्ट 6:30, तो आप 6:30 अगर आपने डिनर कर लिया या फिर 7 बजे अगर आपने डिनर कर लिया तो 7:30 आपको लेना होता है सेल्यूलॉस, तो आधे घंटे बाद। ठीक है, मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच के पहले और डिनर के बाद लेना होता है सेल्यूलॉस, आधे आधे घंटे का आपको गैप करना। तो चलिए, ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं फ्रेंड्स। एंड सेल्यूलॉस लेने से जरूरी है क्या उसके साथ में हर्बल लाइफ का शेक लिया जाए? जी बिल्कुल, आप शेक लेंगे तभी तो आपकी मसल्स क्लीन होगी। एंड बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे, तो सिर्फ सेल्यूलॉस ले सकती हूँ, PPP और F1 नहीं लिया तो भी चलेगा क्योंकि मेरी हाइट इतनी है और वेट इतना है लेकिन वेरी फैट है। जी बिल्कुल, आप सेल्यूलॉस लेके सिर्फ इंचेस लॉस कर सकती हैं, बाकी की जो आपकी प्रोटीन होता है हमारे बॉडी में उसे इंटेक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको प्रोटीन प्रोवाइड करता है प्लस आपके वेट मैनेजमेंट करता है, तो सिर्फ सेल्यूलॉस पे आप डिपेंड ना रहिए, जितना भी कोर्स है उसे पूरा कंप्लीट अच्छी तरह से करिए, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए। ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 महीने का कोर्स होता है जो अच्छी तरह से आप कर सकती है। अगर आपकी वेट है 55 kg तो आप 3 महीने में अच्छा खासा आप अपना शेप और डिजायर वेट भी पा सकती हैं बहुत ही आसानी से। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट्स परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तब भी मैं इस चीजों को आप तक पहुंचा सकती हूँ। सो फ्रेंड्स, जरूर मुझे कॉन्टेक्ट करिए। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुंबईकर बिंदु, आप मुझे वहां भी फॉलो करिए, मैं आप लोगों की हर एक समस्या का फोन और PPP ले सकती हैं। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो लॉन्च किए हैं हर्बल लाइफ में, मैं उनकी जानकारी आप लोगों को आगे भी प्रोवाइड करते रहूंगी फ्रेंड्स। सो चलिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज है तो आप जरूर कॉन्टेक्ट करिए, एंड उसकी 100% आपको यहाँ पे एश्योरिटी मिलेगी, आपको 100% इसका आंसर मिलेगा। और भी कहीं मिसगाइड होने की आपको जरूरत नहीं है, आपकी फ्रेंड बिंदु है यहाँ पे आप लोगों को गाइड करने के लिए। आप बहुत ही आराम से अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं, वेट गेन भी कर सकते हैं, पूरा एक प्रॉपर डाइट भी आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। सो चलिए, फिर आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताइए, और भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है आपके मन में तो जरूर आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। घर पे रहिए, खुश रहिए और हेल्दी रहिए, प्लस अपने वेट को मैनेज करते रहिए।